हम बनाएंगे। हमें सारे मसाले चाहिए। ये भीगे हुए चने लगभग मैंने आधे घंटे पहले भिगा दिया था। ये हमारा आधा किलो कीमा, मोटा कीमा है, और ये बकरे का मीट है, और ये स्वाद अनुसार नमक, और ये एक इंच दालचीनी टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, 4-5 लौंग और 8-10 गोल मिर्च, और ये हमारा अदरक लहसुन पेस्ट, और ये 5-6 लाल मिर्च साबुत। हम इन सबको कुकर में डालेंगे। ये हमने कुकर ले लिया, इसमें हम अपना दाल डाल दिया, मैंने इसे वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने सारे दाल इसके अंदर ऐड कर दें। ये हमने चना दाल ऐड कर दिया। अभी हम अपना कीमा ले लेंगे, इसे भी हमने ऐड कर देना। ये हमने अपना कीमा ऐड कर दिया। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। ये हमारा साबुत लाल मिर्च, इसे भी डाल देंगे। ये हमारा स्वाद अनुसार नमक, इसे भी डाल देंगे। और ये हमारा खड़ा मसाला, गरम मसाला, इसे भी डाल देंगे। ये सब हमने सारा डाल दिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, कीमे में पानी निकलेगा इस वजह से। अब इसे करेंगे हम मिक्स, अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ें से मिक्स हो गई। और हमने चना दाल 2 कप लिया है, आधा किलो कीमा है, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम 2 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। तो हमारा 3 सीटी लग चुका है, हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे खोल के देख लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब देख सकते हैं कि हमारा पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे, इसे ठंडा कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसे हमने पलट लिया है। अब इसे हम हवा के नीचे ठंडा कर लेंगे और फिर इसे मिक्सर में पीस। तो ये हमने कीमा जो मैंने उबाला था चना दाल डाल के, इसे हमने पीस लिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से पिसा। अब इसके अंदर हम डालेंगे, देख सकते हैं एकदम बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन, इसे इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा प्याज है मीडियम साइज का, ये 2 हरी मिर्च बारीक काट लिए हैं, और ये हरा धनिया पत्ता, ये सब आप इसके अंदर मिक्स कर लें। ऐसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें ये हम एक अंडा लेंगे, इसे तोड़ देंगे इसके अंदर, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, हाथ से ज़्यादा बेटर, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स करें, और उसके बाद इसे गोल गोल कबाब बना लें। तो हमारा ये मिक्सर एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है कबाब बनने के लिए। आप अपने हिसाब से लें। आप देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल भी गीला नहीं है, आप देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल भी गीला नहीं है। आप इसे कीमा और चना डालते समय पानी बिल्कुल हिसाब से डालें, अंदाजे से डालें। अगर आपका उसी समय गीला हो जाएगा कीमा, तो इसलिए वो गीले बनते हैं। आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। कबाब आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से दबा दबा के आप इसे बना लें। आप अपने हिसाब से साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ लिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे दबाएं और बनाएं। इस तरीके से आप बना सकते हैं, सारे सबको इसी तरीके से बना लें। इस तरीके से पहले गोल कर लें, दबा लें, और इस तरीके से गोल करके हल्का सा प्रेस करके इस तरीके।
हमारा टिक्किया, हमारा कबाब, ये हमारा शामी कबाब, ये हमारा शामी कबाब मटन रेसिपी है। देख सकते हैं शामी कबाब है। इस तरीके से सभी को हम बना लेंगे। ये देख सकते हैं मेरे सारे टिक्के बन चुके हैं। अब मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने तवा लिया है और ये तेल डाल दिया। हम इसे ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसलिए ज़्यादा तेल में नहीं करेंगे, नॉर्मली तेल ले लेंगे और इसमें हम एक एक कबाब डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं फिर कबाब इसके में डाल के हम फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आहिस्ते से इन्हें डाल के फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से अभी हमारा कबाब फ्राई हो रहा है। इसको 2 मिनट बाद पलटेंगे, जब दूसरी साइड की गोल्डन हो जाएगा तभी हम इसको पलट लेंगे। और ये जो हमारा बाकी का कबाब बचे हुए हैं इसे मैं डीप फ्रिज में रख दूंगी। आप इसे डीप फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल करे तब इसे फ्राई करें और खाएं। इसका टेस्ट और जायका में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, वही टेस्ट रहेगा। ये आप देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है। अब इसे हम पलट के दोनों साइड से सेकेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सिका। और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब इसी तरीके से फ्राई करें। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह हमारा कबाब सिक चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा शामी मटन कबाब तैयार है। बिल्कुल टेस्टी और मज़ेदार लगती है इसे खाने में। आप इसे ज़रूर पकाएं और खाएं। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बढ़िया आया है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल इजी स्टेप में बनते हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें एक बार। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हेलो गाइस, आज मैं आपको चटनी रेसिपी बताऊंगी। ये हमारे हरे धनिए मैंने धोकर इसे काट लिए हैं बड़े बड़े टुकड़ों में, और ये नींबू, और ये 5 से 6 लहसुन की कली, और ये 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। कि कई बार साबुत मिर्ची होती है तो उसके छिलके आते हैं मुँह में चटनी में, तो ये हम मिक्सर लेंगे और इसमें सबको पीस लेंगे, इसको डाल के इस तरीके से, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने सारे सामान इसमें ऐड कर दिया। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा, अब इसे पीस लेंगे। ये देख सकते हैं आप हमारा हरा चटनी तैयार है। हरा धनिया पत्ता का चटनी तैयार है। 5 चीज़ों से मिलके तैयार हुई है। आप भी बनाइए और खाइए और बताइए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।